सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार लूकास अध्याय 11 पद संख्या 39 से लिया गया है। प्रभु यीशु फरीसियों को फटकारते हैं। फटकारते हुए क्या कहते हैं, ध्यान से सुने। प्रभु कहते हैं, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को तो ऊपर से मांझते हो, लेकिन तुम भीतर से लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। लालच और दुष्टता से भरे हुए हो, क्या तात्पर्य है इसका, क्या अर्थ है इसका? मित्रों, इसका मीनिंग, इसका अर्थ यही है कि हमारे दो स्वरूप है। एक तो है बाहरी स्वरूप, जिसे हर कोई देख सकता है, लेकिन दूसरा जो स्वरूप है वो है आंतरिक स्वरूप, जिसे हम हमारी अंतरात्मा भी कहते हैं, या मन या दिल कहते हैं। हमारा जो अंतरात्मा है, हमारा जो आंतरिक स्वरूप जो है, वो एक पेड़ के जड़ की तरह है। यदि पेड़ का जड़ अंदर से खोखला हो जाए तो सारा का सारा पेड़ धीरे धीरे खोखला हो जाएगा। साथ ही साथ यदि हमारा पेड़ का जड़ सड़ने लग जाए, सड़न उसमें लग जाए, तो धीरे धीरे सारा का सारा पेड़ में सड़न पैदा हो जाएगी। मेरे मित्रों, ठीक यही बात हमारे जीवन में भी होती है। आपकी अंतरात्मा जैसी है वैसा ही आपका स्वभाव भी होगा। आपके बाहरी स्वभाव में, बाहरी स्वरूप में नज़र आने लगेगा। लेकिन यदि आपकी अंतरात्मा, आपका मन, आपका दिल या आपकी आंतरिक स्वरूप सुंदर है, खूबसूरत है, तो वो बाहर नज़र आने लगेगा। आपकी बोली वचन में आपकी सुंदरता नज़र आने लगेगी, आपके चाल ढाल में आपकी सुंदरता नज़र आने लगेगी, आपके व्यवहार में आपकी सुंदरता नज़र आने लगेगी। आपको याद है सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। सैमुएल दाऊद के भाइयों से मिलने आया उनका चयन करने के लिए, और जब सैमुएल उनके पास में आया, उनकी खूबसूरती को देखकर वो क्या कहता है, मन ही मन वो कहने लगता है, ज़रूर ईश्वर इन्हें ही चुनेगा, राजा बनने के लिए इनका ही चयन करेगा। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, ध्यान से सुने, प्रभु वही कहते हैं, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग को देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। जी हाँ, आप भले मोटे क्यों ना हो, आप भले पतले ही क्यों ना हो, आप काले हो या गोरे हो, इसका असर या फर्क ईश्वर पर नहीं पड़ता। ईश्वर पर तो यह फर्क पड़ता है कि आपका मन साफ है या शुद्ध है या सुंदर है, आप आंतरिक रूप से कितने सुंदर हो। अब प्रश्न उठता है कि मेरी अंतरात्मा गंदी कैसी होती है, अशुद्ध कैसे होती है, या कुरूप कैसे बनती है। यही बात तो हमें बाइबल का वचन बार बार बताता है। मेरे मित्रों, जैसे कि घृणा हमारी सुंदरता को खराब करती है, द्वेष, लालच, घमंड, पाखंडता या सांसारिक चीज़ों के प्रति प्रेम हमारी अंतरात्मा को दूषित करती है। यदि आप सचमुच चाहते हैं, इस संसार में कितने पैसे खर्च किए जाते हैं, कितना समय लगाया जाता है अपने बाहरी स्वरूप को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन इतना ही समय, इतनी ही मेहनत यदि हम अपनी अंतरात्मा को सुंदर बनाने में लग जाएं, तो सोने पे सुहागा हो जाए। मेरे मित्रों, प्रभु बस यही हमें बताना चाहते हैं। सबों को जय श्री।